हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक आप सबको। और ये जो अभी मैं व्लॉग बना रहा हूँ, ये आज का नहीं है, ये मैंने ईद के पहले दिन से शुरू किया हुआ है। विस्का बारसा यार, ये व्लॉग मैंने ईद के पहले दिन से शुरू किया हुआ है और मैं कुछ खातिर ख्वाह बना नहीं पाया था, इसलिए मुझे एडिट करने का दिल नहीं कर रहा था। अब ऐसा है कि ईद के पहले दिन मैं व्लॉग अपलोड करना चाहता था, मगर उस दिन मैंने व्लॉग अपलोड किया था चांद रात वाला। तो ये व्लॉग ईद के तीसरे दिन आ रहा है और इस व्लॉग में आगे एक टारगेट है व्यूज़ का, अगर वो पूरा हुआ तो मुझे इनाम मिलेगा। तो बस वो टारगेट पूरा करा दें, बाकी व्लॉग बेशक पूरा देखें ना देखें कोई इशू नहीं है। खैर ऐसे एक मिनट यार, अगर मैंने पंखा चलाया तो बहुत शोर आएगा और वरना पंखे के बगैर गर्मी काबिल बर्दाश्त नहीं है, तो क्या किया जाए। ऐसा करते हैं कि इधर से दरवाज़ा खोलते हैं, शायद कुछ ठंडी हवा आए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ तो अब ऐसा है कि यार इस व्लॉग में पिछले 3 दिन का खुलासा है, मतलब ईद का पहला दिन, दूसरा दिन और आज ईद का तीसरा दिन। इन 3 दिन का खुलासा है और 3 दिन के खुलासे में यही बात है कि एक तो छोटी मोटी गैदरिंग जो अच्छी होती हैं और दूसरा हम बेफजूल ही तैयार होते हैं। हाँ ईदी मिली थी इसलिए तैयार हुआ था, और तैयार होकर ईदी लेने का ज़्यादा मज़ा आता है, ये इस हालत में ईदी लेने का मज़ा नहीं आता। ये तो फिर मैं बहुत बेहतर लग रहा हूँ, मतलब अभी तो व्लॉग में ऐसे आ रहा हूँ ना, मैं बहुत बेहतर लग रहा हूँ। जिस तरह मेरी हालत होती है ना नॉर्मल, वो आप लोग देख के बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे, मतलब आग कर दोगे मुझे इस चैनल से ही, आप लोग छोड़ जाओगे, इसलिए मैं वैसे उस हालत में आ नहीं सकता। मतलब पिछले 2 दिन की वीडियो उसी हालत में है, बस टोपी आ जाती है, और आज की वीडियो उस हालत में नहीं है। आज वाला हिस्सा थोड़ा सा बेहतर। एक बात मैं क्लेरिफाई कर दूं कि मैं मैड्रिड फ़ैन बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं बारसा फ़ैन हूं, और ये शर्ट सिर्फ इसलिए पहनी गई, अच्छी लग रही है और ये बहुत बहुत प्यारी शर्ट है यार। मैड्रिड की जो शर्ट्स होती हैं ना, बड़ी अलग क्लास करती हैं। खैर चले, आपको ले चलता हूँ पिछले दिनों की तरफ, और फिर बस वही थोड़ा सा हिस्सा देखें, और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, बस देख लेना, व्यू दे देना खाली, बाकी खैर है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, मेरी ईदी वही हो जाएगी। और बस तो हेलो जी, तो यार ईद का स्टार्ट, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद का स्टार्ट ऐसे हो रहा है कि अभी तो मैं कपड़े इस्त्री कर रहा हूँ, इसके बाद नमाज, नहाना, नमाज एंड देन सो ऑन सो ऑन, में वापस आके सोना होता है, वो करेंगे। बालों की हालत इस टाइम फुल ख़राब है, और कल मैं चांद रात का अच्छा खासा ब्लॉग बनाता रहूँ लेकिन मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, तो मैं कपड़े इस्त्री कर लूँ, बैठ के बातें करते हैं आपसे। तो यार जी एस के ब्लॉग्स की तरफ से ईद मुबारक, और जुनेद कह रहा है कि आज ब्लॉग एडिट करके आज ही अपलोड कर दे ईद के दिन ही, और 300 व्यूज़ आ गए तो जुनेद मुझे ईद ही देगा। 300 व्यूज़ लाना अब तुम्हारा काम है, तो देखो जितना मर्जी बार देख सकते हो, और लोग क्या कहेंगे, लोग देखते रहे वल्लाह की कसम, आज तो बिल्कुल डर ही लग रहा, शम्मा ही आ रही है देखो। तो अभी हम जा रहे हैं जुनेद की तरफ फिर से, कल रात भी वही थे, हम हर टाइम उधर ही होते हैं। तो क्वेटा कैफे हो या जुनेद का घर, कपड़े इंसाफ स्टोर से वसूल करें, इंसाफ स्टोर, इंसाफ स्टोर बंद। जी हम बताओ, ईद मुबारक आप सबको। और ऐसा है कि अभी मिलना मिलाना हो गया, नमाज वगैरह तो हो गई थी ना, सुबह ही हो गई थी, तो बाकी ये है कि भाई 300 व्यूज वाला जुनेद का वादा देखते हैं पूरा होता है कि नहीं। 300 व्यूज आपने कराने हैं, मैं अभी तकरीबन 2-3 घंटे में अपलोड कर दूंगा। खैर मेरे मोबाइल की बैटरी भी अभी खत्म होने वाली है, और मैं थोड़ा जल्दी में इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि वजह यही है कि मोबाइल की बैटरी खत्म होने वाली है। बात आती है मेरे बालों पर, बालों से रिलेटेड ये है कि बाल मैंने नहीं कटवाने, मैंने अब 3 साल का टारगेट रखा है, बाल नहीं कटवाने, नहीं कटवाऊंगा, ऐसे ही बढ़ाऊंगा, बड़े बड़े अच्छे लगते। तो अभी ऐसा है कि तकरीबन टाइम क्या हो रहा है, टाइम भी पता नहीं क्या हो रहा है, तकरीबन 12 के ऊपर नीचे ही हो रहा होगा कुछ। तो अभी सोने लगा हूँ मैं, ब्लॉग एडिट करता हूँ, अपलोड करते लगाता हूँ और सोता हूँ,
बाकी इस ईद के दिनों में देखिए अन्य ब्लॉग डालूंगा। आप सबको फिर से एक बार ईद मुबारक और स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, स्टे एट होम। तो यार अभी हो रहे हैं तकरीबन 7:30 या 8 के करीब और आज ईद का दूसरा दिन है और अभी मुझे तैयार होना है क्योंकि मुझे कहीं जाना है, शायद वो नीचे ही जाना हो। लेकिन उससे पहले मेरे जो बाल हैं ये अभी तो हेयर कट में बैठे हुए हैं, ये तकरीबन ये बहुत ही ख़राब हो रहे हैं ना, मतलब सूख गए ना, वहाँ से निकला हूँ तो सूख गए। तो ये बनाने के लिए आज मैं कुछ नया ट्राई करता हूँ विद सम जेल। मैं जेल ज़्यादा यूज़ करता नहीं होता क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे बाल वही या चिपचिप करें या बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएं। और ब्रिज क्रीम का यूज़ मुझे पसंद नहीं था क्योंकि उसने शायद उसने मेरे बाल सफ़ेद कर दिए थे, लेकिन मुझे एक नई ब्रिज क्रीम लानी है और फिर देखेंगे उसका कुछ असर हुआ तो नहीं। खैर अभी मैं बाल बनाता हूँ तो आप वही देख लें बनते हुए, फिर क्या पता कुछ अच्छा कॉन्टेंट बन जाए और फिर ये वापस आके मैं ब्लॉग एडिट करके अपलोड पर लगा दूँगा। तो इंशाल्लाह आपको ईद के तीसरे दिन तक ये ब्लॉग देखने को भी मिल जाएगा और फिर 300 व्यूज करा देना यार जुनेद ने, पर शायद मेरी ईदी आज जुनेद पे नहीं होगा। मैं भाई ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही बनते हैं, बोर नहीं बन रहे।